स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,593 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,593 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा शहरियार झुंझुआ से। शहरियार बताइए कि इस हवाले से देखिए, आज सुबह से ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 950 पॉइंट्स तक बढ़ गया था और ये तकरीबन 65,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी बहुत अभी करेक्शन देखने में आई है। 685 पॉइंट्स अभी मार्केट अप है, 64,603 पॉइंट्स पर अभी मौजूद है। जहां तक आपने बात की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की, तो सरमायाकारों का एतमाद कुछ जरूरत से ज्यादा ही एतमाद होता नजर आ रहा है। सरमायाकार पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि जो अभी तक इंटरनेशनल कमिटमेंट हुई है और जो मेजर्स इकोनॉमी की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं वो अभी तक हैं तो खबरों की हद तक महदूद, लेकिन सरमायाकार ये समझ रहे हैं कि शायद वो आने वाले दिनों में ये सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। मौसमी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, इस जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे आने वाले दिनों में। शरह सूद में मजीद कमी होगी, रुपया जो ग्रेजुअली रोजाना की बुनियाद पर कम हो रहा है ये मजीद कम होगा। स्मगलिंग के खिलाफ और हुंडी हवाला के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही वो जारी रहेंगी और जो मईशत है वो आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगी। यही जी शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।